हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल का आज गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सिंघल का निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। वो लगभग दो दशकों तक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में वीएचपी का दायरा कई गुना बढ़ा। वो एक अद्भुत संगठनात्मक क्षमता के मालिक थे, जिनके अंदर एक कुशल वक्ता और नेतृत्व करने की क्षमता का समावेश था। विश्व हिंदू परिषद के वैश्विक विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और इसके साथ ही उन्होंने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के सानिध्य में हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षण भी लिया था। वर्ष 1984 में दिल्ली में आयोजित हुई विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के वो ही मुख्य आयोजक थे, जिसके चलते हजारों साधु संतों के बीच हिंदुत्व का पुनरुत्थान चर्चा का विषय बना था। विश्व हिंदू परिषद के नाम को घर घर तक पहुंचाने में भी उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा ने भी वीएचपी के अध्यक्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। उनके निधन से समाज को और हम सबको बहुत क्षति हुई है, बहुत भारी क्षति हुई है और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और चलते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव के पास इस खबर पर और जानकारी लेने के लिए। अनुज, कब उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन में क्या कुछ और खास बताया गया है? देखिए, करीब 2:30 बजे आज दिन में उन्होंने अंतिम सांस ली और जो उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, मल्टी ऑर्गन फेल उनका हुआ था, किडनी, लीवर और जो लंग्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे। पिछले 4 दिन से वेंटिलेटर पर रखा गया था। आईसीयू के अंदर करीब 20 डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया था, लेकिन आज वो देश और दुनिया से वो चले गए हैं। और अभी प्रवीण तोगड़िया, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से रजोकरी के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। वहां पर उनके भतीजे विनोद बंसल वहां पर रहते हैं। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का जो आरकेपुरम में उनका दफ्तर है वहां पर लेके जाया जाएगा और रात 10 बजे तक केशव कुंज, जो आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का दफ्तर है, वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए कार्यकर्ताओं के लिए उनके पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और कल शाम को 4 बजे उनका निगम बोध घाट में किया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर मेदांता अस्पताल से रजोकरी के लिए, जो दिल्ली का बाहरी इलाका है, वहां के लिए रवाना हो गया है। लालचंद, अनुज, विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें तो गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल, ये दो नाम ऐसे थे जिनके कारण विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ और काफ़ी हद तक फैलाव हुआ विश्व हिंदू परिषद का। किस तरह से अशोक सिंघल के योगदान को याद किया जाएगा? देखिए, अशोक सिंघल का जो योगदान है वो निश्चित रूप से उसको कई सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि करीब 20 साल से भी ज्यादा तक वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के रहे, 1981 से लेके वर्ष 2011। वो एक कुशल वक्ता थे, एक संगठन चलाने की जो उनके अंदर एक क्षमता थी, नेतृत्व करने की जो क्षमता थी वो वाकई काबिले तारीफ थी और हर व्यक्ति उससे काफी प्रभावित हुआ था। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1984 के अंदर दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक धर्म संसद, हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उस आयोजन के बाद देश के सभी संतों के अंदर, देश के अंदर, हिंदुत्व के अंदर, हिंदुत्व के पुनरुत्थान के लिए चर्चा शुरू हो गई थी। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई थी और विश्व हिंदू परिषद को घर घर तक पहुंचाने में जो उनका योगदान लालचंद रहा है वो हर व्यक्ति जानता है और हर कार्यकर्ता इसी वजह से एक अलग सम्मान, चाहे हम संगठन के अंदर बात करें या बाकी जो और संगठन है हिंदुत्व से जुड़े हुए उनकी बात करें, उनकी एक अलग पहचान थी, उनकी जो
कुशल कुशलता थी वो सिर्फ नेतृत्व करने में नहीं थी, संगठन को चलाने में नहीं थी, बल्कि किस तरीके से एक दूसरे को जोड़कर आगे बढ़ा जाए, उस उन बातों को आज सभी ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके साथ अपना समय व्यतीत किया उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही बिल्कुल बिल्कुल काफी वरिष्ठ नेता थे अशोक सिंघल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे उनका आज निधन हो गया है।